हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, डेट इज फॉर केवीएस पीआरटी ईवीएस सेक्शन, और जिसमें मैं आपके ईवीएस के सारे टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस अपडेटेड, जो आपका 2018 में न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, पॉपुलेशन पर, रिसोर्सेज पर और भी कई टॉपिक्स पर। तो वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पर ग्रुप है, ठीक है, चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो वहां पूछ सकते हो या फिर आप यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल हम कर रहे हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमने लोकल बॉडीज कवर कर लिया है, लोकल बॉडीज के चार पार्ट्स है, अगर नहीं देखे तो वो देखिएगा, जिसमें आपका विलेज पंचायत, पंचायती राज कंप्लीट कराया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका वर्क ऑफ पटवारी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो आपकी अर्बन बॉडीज है म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो सारा हो चुका है। तो लोकल बॉडीज आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल हम स्टेट बॉडीज कर रहे हैं और स्टेट बॉडीज के ऊपर पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड है पूरा। तो आज हम स्टेट बॉडीज का पार्ट टू करेंगे, जिसमें मैं थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी। स्टेट बॉडीज में जो आपका लेजिस्लेचर की अगर बात करो तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आते हैं। तो हमने कल जो बात की है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की है, आज हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानेंगे, गवर्नर के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, कैसे फॉर्म होती है गवर्नमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बेटा, हम कल कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो MLAs है वो इलेक्ट होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, कैसे रूलिंग पार्टी होती है, कौन सी आपका ओपोजिशन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए कहा कि पार्ट वन जो है ना इस वाली वीडियो का, वो आपका बेस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल मैंने आपको एक चीज़, ये सारी चीज़ें बता दी, तो आपने, जिन बच्चों ने भी वीडियोस देख ली है, वो मुझे एक बात बताइए कि अगर एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिए, कल वाला लेती हूँ। तो बेटा, कल मैंने आपको ना ये एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी, 68, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और इसमें मैंने आपको बताया था कि बीजेपी की 44 सीट्स आई थी, तो बीजेपी क्या बनी थी, रूलिंग पार्टी बनी थी, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन कौन सा था, जो आपका INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्योंकि इसको 21 आफ्टर बीजेपी जो मैक्सिमम सीट्स मिली थी वो किसको मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और जो आपका CPI और ये इंडिपेंडेंस थे, इनको कितनी सीट्स मिली है, 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा, एक चीज़ बताइए, यहाँ तो आपको पूरा बहुमत दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि मेजोरिटी या रूलिंग पार्टी कौन बनती है, जिनको मोर देन 50% सीट्स मिल जाए, बताया था ना ये चीज़। तो अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 68 टोटल सीट्स है, तो वहाँ पर बीजेपी को अगर सिर्फ 32 मिलती, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, लेस देन 50% हो गई, अगर 32 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही जीतता। और INC जो है बेटा, इसकी अगर मान लीजिए आपकी 21 ही रह गई, कम्युनिस्ट पार्टी की आपकी 3 हो गई और इंडिपेंडेंस की आपकी 2 रह गई, तो इस तरीके से मतलब टोटल 68 तो हुई, लेकिन बहुमत किसी को भी नहीं मिला, मेजोरिटी किसी को भी नहीं मिली। मेन चीज़ क्या थी, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए सीट्स। तो उस कंडीशन में अगर किसी को भी मेजोरिटी में सीट्स नहीं मिली, या फिर 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो वॉन नहीं हुआ है, तो बेटा वहां पर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ये बताइए। जहां पर किसी को भी बहुमत नहीं मिला, ठीक है, तो वहां पर कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कैसे सरकार चलेगी। तो बेटा, अब यहां आपको बताना चाहूंगी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिली, या फिर कोई बीजेपी की जगह और भी कोई सरकार हो सकती थी, या तो बीजेपी में मैक्सिमम सीट से, इस वजह से मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी जो पार्टी है उसको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो ये जो जैसे आपका बीजेपी है और ये जो आपके CPI है या फिर इंडिपेंडेंट्स है, इनके 2-2, 3-3 सीट्स इस तरीके से आई हुई है, और आपके जो बीजेपी को जीतने के लिए भी 2 या 3 सीट ही चाहिए थी, तो ये निचली वाली पार्टी से, CPI से या इंडिपेंडेंट से, इनके साथ हाथ मिला लेते हैं और एक गठबंधन की सरकार फॉर्म होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट, बिल्कुल ध्यान रखनी है ये चीज़। तो कॉलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि बेटा, रूलिंग पार्टी जो होती है ना, वो सिंगल नहीं होती।
अब यहाँ तो आपको क्लियर मेजोरिटी देखने को मिल रही है बीजेपी की, तो ये तो बिल्कुल सिंगल पार्टी होगी जो आपका रूल करेगी, रूलिंग पार्टी इसको आप कहोगे। लेकिन इन कंडीशन की मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती तो आप क्या करते, बीजेपी सीपीआई के साथ या फिर इंडिपेंडेंट्स के साथ हाथ मिला लेता कि हम मिलजुल करके एक सरकार अपनी बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर एक सिंगल रूलिंग पार्टी नहीं होती बल्कि ग्रुप ऑफ पार्टीज साथ में काम करती है। तो ये आपका टॉपिक कवर कराना जरूरी था, इस वजह से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं अब अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, जिसको हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होता है उसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं कि विधानसभा में जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है ना, वो बेटा 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और लेस देन 60 नहीं हो सकती, ठीक है। 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और लेस देन 60 नहीं होती। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी है, ये ओनली सिक्किम मत सोचिएगा, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। सिक्किम हो गई, गोवा हो गया आपका, मिजोरम हो गया, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, तो पुदुचेरी हो गई। तो ये कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है जहां पर लेस देन 60 सीट्स है या लेस देन 60 मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये आपके एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो कई बार ना एक्सेप्शनल में से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको जानना जरूरी है। तो मैंने कौन कौन से स्टेट्स बताई आपको, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो पुदुचेरी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है डेट आर लेस देन 60, और सिक्किम की बात करूँ तो वहाँ पर कितनी है, 32 है सिर्फ। तो यूपी जो है आपका, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स है कितने हैं, 403 या 403। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशंस विधानसभा के मेंबर की कितनी होनी चाहिए, तो बेटा ये जो सेम जितने लोकसभा के मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, उतनी ही जरूरत है। तो वैसे तो मैं आपको लोकसभा के मेंबर्स में जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी सेंट्रल बॉडीज जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर कराऊंगी। लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि एज बेटा 25 ईयर्स चाहिए होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए होती है, इस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। जैसे मेंटली अनसाउंड ना हो, बैंकक्रप्ट ना हो, या कोई गवर्नमेंट पोस्ट या ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट कोई अपने बेनिफिट के लिए ना हेल्ड करता हो, तो ये चीज़ें होती है, ये क्वालिफिकेशंस होती है सेम विधानसभा के मेंबर के लिए। जो आपके लोकसभा में मेंबर बनते हैं वही क्वालिफिकेशंस चलती है। और अगर वैसे विधान परिषद की बात करूँ तो राज्यसभा के मेंबर्स के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होती है। विधानसभा इज मोर पावरफुल देन विधान परिषद बट इट इज लोअर हाउस। अभी मैंने बता दिया कि विधानसभा लोअर हाउस है आपका, लेकिन ये पावरफुल है विधान परिषद से ज्यादा। क्यों है पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ हो सकता है, जो आपके मनी बिल होते हैं, जो आपके बजट्स के ऊपर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर स्टेट की बात करूँ तो उन्हीं में हो सकते हैं आपके पास इंट्रोड्यूस, वो आपके विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपके राज्यसभा में नहीं हो सकते। तो इस वजह से विधानसभा क्या होती है, मोर पावरफुल होती है, ठीक। द टर्म इज ऑफ 5 ईयर्स बट कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर्स। तो टर्म कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, 5 ईयर्स, और इसको 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई, सपोज आपकी इमरजेंसी लग गई या फिर कोई और सिचुएशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि लोकसभा या फिर आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको 5 साल से पहले ही भंग या डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट्स वन ऑफ इट्स मेंबर्स एज इट्स स्पीकर एंड अनदर एज डिप्टी स्पीकर। तो यही चीज आप लोकसभा में भी देखते होंगे, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल कॉमन पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने आप में से ही एक मेंबर को क्या करते हैं, चुनते हैं स्पीकर, और एक बनता है डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट, दे हैव द सेम पोजीशन एज द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैव। तो लोकसभा में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आप सुनते हो ना, इनकी भी सेम वही पोजीशन होती है। अब जानते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद के बारे में। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, विधान परिषद
इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट. मैंने आपको बता दिया ये चीज कि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होता है. विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्यसभा, ये क्या होते हैं आपके अपर हाउस होते हैं. इट कैन नॉट बी लार्जर इन साइज देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. अगर किसी कंसर्न स्टेट की बात करूँ तो उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी 1/3 सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद में. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस एंड कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली को तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं, 5 साल की टर्म है और उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना बेटा, वो आपका परमानेंट हाउस है और इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते. द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर्स. ठीक, तो मेंबर की टर्म होती है 6 ईयर्स. कई बार पता है क्या पूछ लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितनी टर्म्स है, और ऑप्शन में दे दिया कि इट इज़ परमानेंट, कैन नेवर बी डिसॉल्व, ऐसा कुछ दे दिया एक ऑप्शन, दूसरे में 5 ईयर्स लिख दिया, तीसरे में 6 ईयर्स लिख दिया, चौथे में आपका 2 ईयर्स लिख दिया. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 ईयर्स लगा के आ जाते हैं. तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद के सदस्यों की जो टर्म होती है वो होती है 6 वर्ष, लेकिन जो आपका विधान परिषद है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसको भंग नहीं किया जा सकता. ये एक आपका परमानेंट हाउस है. तो ये चीज बिल्कुल याद रखनी है. नेक्स्ट आपको याद रखना है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स इट्स 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 1/3 मेंबर्स रिटायर. तो हर 2 साल के बाद क्या होता है कि 1/3 मेंबर इलेक्ट होते हैं और 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं. तो ये एक रूल है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि कितने मेंबर इलेक्ट होते हैं, कितने मेंबर आपके रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स. तो नेक्स्ट चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि बेटा जो मैंने अभी आपको बताया ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में आपका डिप्टी स्पीकर होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर को चुनते हैं, तो ऐसे ही जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान परिषद होता है या राज्यसभा की बात करूँ सेंट्रल लेवल पर, तो वहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं. ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं गवर्नर के बारे में. सो गवर्नर की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा गवर्नर का जो ऑफिस का स्टेटस है ना वो आ जाता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए. वो आर्टिकल 153 में है, 153 आर्टिकल है गवर्नर का. ठीक, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं, अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आप एग्जीक्यूटिव पार्ट में कौन कौन आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट में, कल भी बताया था, आपके CM आ जाते हैं जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके MLAs जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके, इसके अलावा आपका गवर्नर आता है. तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट को फॉर्म करते हैं. तो गवर्नर जो अपॉइंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट होता है और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कौन से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है? तो यूनियन लेवल पर. ठीक है, स्टेट लेवल पर नहीं, यूनियन लेवल पर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. The governor is the constitutional head of the state and all the executive powers of the state government are formally given to the governor. He is the nominal head of the government. तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल कि real executive या real head कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का? आपका चीफ मिनिस्टर. जो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरीके से जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है सेंट्रल लेवल पर वो PM होता है, और अगर स्टेट लेवल की बात करो तो वो आपके CM या फिर चीफ मिनिस्टर होता है. लेकिन जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होता है ना, उसी वे में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपका स्टेट लेवल पर गवर्नर होता है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मली तो गवर्नर को दी होती है, लेकिन ये एक पपेट की तरह होता है, सारे सब चीज़ों में इनको चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेनी होती है. तो इसको हम कह सकते हैं कि ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट द रियल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द रियल हेड इज द चीफ मिनिस्टर. याद रखनी है ये चीज़. द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड. तो एग्जीक्यूटिव पार्ट में कौन कौन आ गया? मैंने बताया आपको कि गवर्नर, फिर आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उनका जो हेड होता है वो होता है आपका चीफ मिनिस्टर, है ना. ऐसे ही आपका सेंट्रल लेवल पर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ अपने आप लिंक करते करते सारी चीज़ अपने आप कवर होती चली जाएगी। हिज अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स बाय द प्रेजिडेंट। तो 5 साल के लिए गवर्नर की टर्म होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिले ना कि जो गवर्नर हेल्ड करता है ऑफिस को, तो बेटा वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर इस टाइप का कोई ऑप्शन मिले कि प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपनी पोस्ट को होल्ड करता है, या फिर 5 साल मिले, तो ये आपके आंसर होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर वाला हो जाता है, अगर बेशक 5 ईयर्स दिया होगा ना तब भी आपका ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आंसर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। वो इस वजह से बेटा, क्योंकि ना जो आपका प्रेसिडेंट है वो 5 साल से पहले भी गवर्नर को हटा सकता है, और चाहे तो 5 साल के बाद तक भी उनका टेन्योर बढ़ा सकता है। तो इस वजह से तो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राइट आंसर हो जाता है, बेशक से आपका 5 ईयर्स गिवन ऑप्शन में। ही कैन बी, और बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आया है, इसी वजह से आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एज ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हटाया जा सकता है, और चाहे प्रेसिडेंट तो इसका टर्म और बढ़ा सकते हैं, या फिर एक गवर्नर जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट का गवर्नर रहे, वो एडिशनल चार्जेस भी संभाल सकता है, 2 स्टेट के सेम गवर्नर भी हो सकते हैं, और हो जाएंगे, पर है भी ऐसा। तो आप एक ऑप्शन आप एक बताओगे मुझे कि कौन ऐसा गवर्नर है अभी रिसेंट जो 2 स्टेट्स का चार्ज संभाले हुए है, कमेंट बॉक्स में बता देना, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मैं चाहूँगी कि आप पार्टिसिपेट करो। तो देखते हैं क्वालिफिकेशंस। तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन है बेटा, इनकी जो एज होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए टू बिकम गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट हैविंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड बैंकरप्ट। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है जो कि गवर्नर की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैंने अभी अभी आपको ये चीज़ बताई कि प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट द सेम गवर्नर एज गवर्नर ऑफ मोर देन 1 स्टेट। एक एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर मेरी वीडियो देखते हो और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैं बस यही होप करूंगी कि आप इसका रिप्लाई ज़रूर करोगे, बताओगे मुझे, आपके करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव होगी इससे। ठीक है, और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ में। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा गवर्नर है फिलहाल की गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल पर या मतलब स्टेट गवर्नमेंट में होता है, ठीक है, 2 स्टेट का चार्ज संभाले हुए हो कोई गवर्नर। ठीक, तो गवर्नर आपका किस पे स्टेट लेवल पर होता है। प्रेसिडेंट मस्ट ऑलवेज गो बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट ओकेजन्स व्हेन द गवर्नर कैन टेक हिज ओन डिसीजन। दिस पावर आर कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास, जो आपका प्रेसिडेंट होता है ना वो बंधा हुआ होता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कह दिया वही चीज़ माननी है, उन्हीं की सलाह पर सारा काम करना। लेकिन गवर्नर के पास ना कुछ एडिशनल पावर होती है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ कर सकता है, तो ये उनको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर क्या आता है वो देखते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन नो वन गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, ही कैन अपॉइंट एनी पर्सन ऑफ हिज विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो बेटा ये गवर्नर के पास तो पावर है स्टेट लेवल पर, ठीक है, कि अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिल रही तो अपने दिल के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को वो इलेक्ट कर दे, अपॉइंट कर दे। ठीक, लेकिन ऐसी पावर किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं होती कि किसी को अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और ये डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि गवर्नर इंजॉय करता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक सेंटर, देयर इज ऑलवेज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द चीफ मिनिस्टर इज द मेन आर्किटेक्ट एंड हेड ऑफ द कैबिनेट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके जो स्टेट लेवल पर होते हैं उनका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, और जो आपका सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द गवर्नर कॉल्स एंड अपॉइंट्स द पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर हैविंग मेजोरिटी इन विधानसभा, एंड द गवर्नर अपॉइंट एंड रिमूव्स द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नर जो है बेटा अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, जिस भी आपकी पार्टी की मेजोरिटी होती है विधानसभा में, जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं में से एक आपस में अपना रिप्रेजेंटेटिव वे चुन लेते हैं, और उसको गवर्नर क्या कर देता है,
अपॉइंट करता है, शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको ना कल भी क्लियर करा दिया, पार्ट वन में नहीं देखा तो देख सकते हो, वो बेस है आपका। और जो गवर्नर है वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है और अपॉइंट कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं तो वो चीज़ की जा सकती है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना बेटा, इनके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अगर इनका अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल गया ना तो इनको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, अपनी बहुमत को सिद्ध करना पड़ता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट स्टेज इन पावर एज लॉन्ग एज इट इंजॉयज इट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर वर्क्स एज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड रिमेन्स द लीडर ऑफ द विधानसभा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जो है वो वर्क करता है एज अ चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट और लीडर रहता है किसका, विधानसभा का। बारी आती है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने की, चलो देखते हैं। सो द चीफ एग्जीक्यूटिव, अब ये जितना भी हमने पढ़ा बेटा ये स्टेट्स का पढ़ा, अब हम थोड़ा सा ना केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, कैसे गवर्नर होता है या क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो बेटा आपके जो यूनियन टेरिटरीज होती है या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर आपके गवर्नर नहीं होते, वहाँ क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर, ठीक। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज अ चीफ कमिश्नर और अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेजिडेंट। दिल्ली जो आपकी कैपिटल है उसमें भी क्या है, गवर्नर नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, LG है। और क्या नाम है उसका, दिल्ली के गवर्नर का नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप पार्टिसिपेट करो तो इस वजह से कह रही हूँ ऐसा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो क्रिएट एंड रिमूव अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो किसी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली बना भी सकती है और हटा भी सकती है। और दिल्ली और पुडुचेरी 7 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है बेटा उनमें जो, सॉरी मैंने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग 7 बता दिया, ठीक है। अभी कितनी है, 9 है यूनियन टेरिटरीज, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वो भी यूनियन टेरिटरीज बनाए हुए हैं, है ना। और जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर था जो आपको कल बताया है, लेकिन अब फिलहाल क्या है, वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो अब देख लेते हैं कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, ठीक। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, द गवर्नर इज स्वॉर्न बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ डेट स्टेट। तो बेटा गवर्नर जो होता है, मैंने बताया आपको, स्टेट लेवल पर होता है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है, जो आपके जो पर्टिकुलर स्टेट है ना, कंसर्न स्टेट है, वहाँ का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सीजे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ डेट पर्टिकुलर स्टेट स्वॉर्न कराता है गवर्नर को, ठीक है। नेक्स्ट CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन शपथ दिलाता है, गवर्नर दिलाता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, गलत नहीं करना है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अब जो LG है, जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है ना। अपॉइंट कौन करता है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, प्रेसिडेंट करता है, ये चीज़ बता चुकी हूँ। लेकिन जो शपथ दिलाता है ना गवर्नर को, वो दिलाता है स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, याद रहना चाहिए। CM ऑफ द स्टेट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। अब किसी भी स्टेट का CM है, उसको रेजिग्नेशन या रिजाइन देना है तो किसको देगा, गवर्नर को। ऐसे ही स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ठीक है, मैंने बताया आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, जैसे आपका लोकसभा में होता है, और वो किसको देता है, स्पीकर देगा बेटा डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को देगा। तो ये बिल्कुल इंटरचेंज आप कह सकते हो, एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एड्रेसेस टू द स्पीकर ऑफ द असेंबली, द मेंबर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एड्रेसेस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन देयर रिस्पेक्टिव रेजिग्नेशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो बेटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना,
ठीक है, MLAs है वो किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर? स्पीकर को देंगे, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है। अगर वही बात करूँ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों को, तो वो आपके जो लोकसभा का स्पीकर है उसको देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर। जो आपके मेंबर ऑफ राज्यसभा है, वहाँ पर राज्यसभा में आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं होता, मैंने आपको बताया था, वहाँ क्या होता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा किसको दे, मेंबर ऑफ राज्यसभा किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर? चेयरमैन को देंगे। और जो आपका, ठीक है यही था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको रिजाइन कराता है, कई बार पूछ लेते हैं ये चीज़ें। तो इस सेशन को करती हूँ यही ख़त्म, हमारा स्टेट बॉडीज हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अगर फिर भी कुछ लगता है, कोई टॉपिक रहता है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता देना, तो करा दूंगी वो टॉपिक। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका ही फ़ायदा है इसमें। और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको ना जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूंगी उन सबका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ठीक है, उनका रिप्लाई जरूर करना कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट। बाय।